कहीं ठीक है तो वो ठीक कहना होगा हमें, कहेंगे कहेंगे एकदम ऐलान कर देना लॉकडाउन, ये देश के लिए बहुत घातक साबित हुआ है, एकदम कर्फ्यू लगा दो, वो जरूरत नहीं। लेकिन फिर वहाँ कमी रही आपके प्लानिंग की, जो कहेंगे कि हम दो सवाल पूछेंगे आपसे, दो सवालों से पता लग जाएगा आप कहाँ गए थे, आपके वहाँ कोई था, अरे उनको पता ही नहीं होता। सूखा राशन और दाल बहुत है, बहुत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। समाज दिनेश के साथ कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद, कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पवन कुमार बंसल। स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पवन जी, जनवरी में देश में कोरोना का पहला मामला आया, लेकिन लॉकडाउन हुआ करीब 3 महीने बाद 22 मार्च को, और वो भी रातों रात देश को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि रातों रात, वो भी पहले मामला ऑलरेडी जनवरी में आया और उसके बाद देश को बंद किया गया 22 मार्च को? आपने बहुत सही एक जो हालात है उसका आपको जायजा है, उसके हिसाब से आपने ये कहा है। अगर उसी वक्त, उस वक्त कांग्रेस के हमारे नेताओं ने दिल्ली में मांग की थी और लोगों ने भी मांग की थी कि अब, क्योंकि ये दुनिया में आ चुका था, भारत में भी केस हो गया था, अगर उसी वक्त इसका लॉकडाउन आप ऐलान करते कि उस दिन से लगेगा, उसी दिन नहीं 15 दिन 20 दिन महीना टाइम देते जी, इतना समय देके आप कहते लॉकडाउन उस तारीख से लगेगा, उस तक उस वक्त बिल्कुल बंद हो जाएगा, उतनी देर में जो लोग कहीं बाहर गए हैं जो जहां हैं वो वापस आ सकते हैं अपने घरों में, कोई मुंबई गया हुआ है चंडीगढ़ से वो वापस आ जाए, कोई चंडीगढ़ में गया हुआ फंसा है वो वहां चला जाए, सब चीज़ का उतनी देर में एक प्लान करते, जो उनको मालूम होना था, होना चाहिए था कि काम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। 7,65,00,000 लोग मनरेगा के तहत काम करते हैं, गरीब उसमें हैं, और जो एक सर्वे हुआ था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का, उसमें जो परिवार वंचित नहीं हैं, जो उन्होंने कैटेगरी बनाई है उसमें सिर्फ 11% वंचित नहीं थे, उसमें से यानी कि 89% वंचित परिवार हैं, उनके चुके पास रह गए, उनके पास काम ख़त्म। जो 15 करोड़ मजदूर दिहाड़ीदार हैं, ये थोड़ा ओवरलैपिंग हो जाएगा, वहाँ के नंबर यहाँ के नंबर बीच में ओवरलैपिंग हो जाएंगी, वो लोग रहे जो रोजाना के काम पे मुनसर हैं, अपना काम करते हैं, रेडी चलाते हैं, कहीं सब्जी सर पे ढोके बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, उन सभी के काम खत्म। पर अभी कुछ क्या इनको पता होना चाहिए था ना ये होगा जी, अगर उनके लिए इन्होंने प्लान नहीं किया उस वक्त, एक महीने में प्लान करते कि उनको हमने सहायता कैसे क्या देनी है, एकदम ऐलान कर देना लॉकडाउन, ये देश के लिए बहुत घातक साबित हुआ है, ये डिसरप्टिव हुआ है और ये ऐसा ही हुआ है। ये याद दिलाता है दो बात पुरानी, एक जब पहले 2016 नवंबर में डिमोनेटाइज किया था, वो भी ऐसा ही किया था नोटबंदी के दौरान, पूरे के पूरे नोटबंदी के बाद भी पूरे के पूरे पैसे पहुंच गए थे, अगर उस वक्त भी उसमें समय दिया होता बेहतर होता, लोगों के पास, लोगों को अकाउंट देना पड़ता पैसा जो आके बैंक में जमा करवाता है, जो हमारी उसके साथ GDP गिर गई, उस वक्त नुकसान हुआ, अभी तक भरपाई नहीं हुई थी, 3-4 साल से GDP हमारी गिरती जा रही है, वो ना होती। और ऐसा ही फैसला इन्होंने बाद में, जिसको अपनी दूसरी आज़ादी बताया था, 1 जुलाई 2017 को किया था, वो पार्लियामेंट में जाके GST का फैसला, वो भी जल्दबाजी का, एक मनमानी का फैसला। कांग्रेस पहले भी इस तरह के आपत्ति दर्ज करती आई है कि जिस तरह से ये जो आरोप लगते हैं कि, और बार बार प्रधानमंत्री रातों रात डिसीजन ले लेते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमेशा से इस बात पर आपत्ति रही है। नहीं, ये बात तो आपत्ति की सभी जो लोकतंत्र के मतलब उपासक हैं उन सभी को इस पे आपत्ति होगी, लेकिन ऐसा एक आज नंबर है, मेजॉरिटी है, वो समझते हैं कि लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उनकी हमें परवाह करने की ज़रूरत नहीं, किसी को सोच, किसी से राय मशवरा करने की ज़रूरत नहीं, पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं, पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमिटीज़ की ज़रूरत नहीं, फैसले पे फैसला लिए जा रहे हैं और उसका नतीजा हमारे सामने है। अभी आपने बात करी मजदूरों के पलायन की और उनकी दयनीय स्थिति की, पिछले दिनों प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट करके योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि मजदूरों के लिए सहायता प्रदान नहीं करी जा रही है, जो बसेस भेजी जा रही हैं उनको मजदूरों के लिए उसमें सहयोग नहीं कर रही है यूपी सरकार, इस बात को किस तरह से देखते हैं आप? भाजपा ने इस पे कहा कि इस पे राजनीति कर रही है प्रियंका गांधी जी, राजनीति वहां पूरी योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहे। अगर उन्होंने, कांग्रेस ने ये कहा था कि हम देते हैं इतनी बसेस, क्यों उनके लिए रास्ते में मुश्किलें आई, खड़ी की गई, पर कहीं ना कहीं ये भी तो हुआ कि बसेस के नंबर मांगे उसमें ऑटो के नंबर दे दिए गए थे, नहीं है, आप देखिए जो वीडियोस दिखाई गई हैं
कितनी लंबी लाइन, वो खत्म होने पे नहीं। उसमें प्रियंका गांधी जी ने दूसरे दिन एक्सेप्ट किया है कि हाँ अगर नंबर्स कुछ चलेंगे तो हम दोबारा भेज देंगे, उतने दोबारा हो जाते हैं। क्या सभी वो ऑटोज के नंबर थे? मैंने खुद वीडियोस देखी हैं जिस लाइनों की लाइनों में जिसमें बसेस खड़ी हैं, क्या वो ऑटो रिक्शाज हैं? अगर कहीं दो ऑटो रिक्शा का नंबर कहीं से किसी आगे काम सौंपा जाता है, सोने अपने प्रियंका जी के पास तो वो नंबर नहीं थे सभी के, आगे किसी को कहा जाता है भी आप बॉडी ला के दोगे, आप ला के दोगे, तो कोई ना कोई वो ले आता है। यहाँ यहाँ से लोग दिल्ली इकट्ठे होके जाते हैं, कोई बस में चला जाता है, कोई अपनी कारों में चला जाता है, कोई किसी चीज से चला जाता है, कोई ट्रेवलर से चला जाता है। ऐसा एक मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने, कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर जिसमें भारत सरकार सहयोग कर रही है और आप डाउनलोड करें, भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो ऐप जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, डेटा सिक्योरिटी उसमें सेफ नहीं है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत एक अहम सभी के लिए चिंता का विषय, कंसर्न था, और सरकार ने अब देखेंगे 15 दिन का उन्होंने समय दिया है कि 15 दिन के बाद इसको ओपन सोर्स कर रहे हैं, इसके लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, अब उससे पता चलेगा। लेकिन पहले इसमें बिल्कुल शंकाएं यही थी कि इन चीज़ों के जरिए किसी भी बात के लिए हो, कहें आपको ये आरोग्य ये सेतु लेना ज़रूरी है, आपने सफ़र करना है तब ज़रूरी है, अगर आप मर रहे हो आपके पास पैसा दो जाने को नहीं है, जो गरीब लोग पलायन कर रहे हैं उनको पहले आरोग्य सेतु आप वहाँ डालो, ये किस बात के लिए? अपनी कोई जिद, अपनी कोई इसी बात पे अहंकार कि जो हमने कह दिया वही सही है? और शंका क्यों होती है कि आप ऐसा ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? जो आपके लक्ष्य है उसके साथ इसका संबंध क्या है? जो कहेंगे कि हम दो सवाल पूछेंगे आपसे, दो सवालों से पता लग जाएगा आप कहाँ गए थे, आपके वहाँ कोई था? अरे उनको पता ही नहीं होता, अनपढ़ लोग हैं, वहाँ जा रहे हैं, एक एक घर में कमरे में 8-8 लोग रहे हैं, उनको सिम्टोमेटिक केसेस कौन से हैं जिनमें से कल को देखने में उनको नहीं है, कल को उनको निकल जाएगा, इनको कहाँ पता लगेगा? ये उसमें भरेंगे कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये क्या वहाँ क्या देंगे जिसके कारण होगा? तभी था कि एक एक आदमी की ब्लूटूथ के जरिए और लोकेशन के जरिए जो 24 घंटे रखनी है उसके जरिए आपका पता कर रहा है, आपकी प्राइवेसी पे एक बहुत बड़ा प्रहार था। जनता के बीच रहने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस की तरफ से देखे जाते हैं आप चंडीगढ़ शहर में, चंडीगढ़ प्रशासन की बढ़ते हुए केसेस हैं कोरोना के, उसमें इस भूमिका को किस तरह से देखते हैं, क्या कंट्रोल हुआ? मुझे काफी हद तक इनमें कंफ्यूजन लगता है कि कौन सा कंटेनमेंट जोन में कितना रखना है, पहले कितना आंखें मीच के जहाँ से वहाँ से तारीख आ गई क्योंकि यूनियन टेरिटरी है उसी के हिसाब से कर देना है, ठीक है यूनियन टेरिटरी दिल्ली की मानना है, लेकिन कुछ तो साथ ऐसा देखा जाता कि आप कहाँ उन लोगों को अलग अलग रख रहे हो। अब बिल्कुल कन्फ्यूजन नज़र आई है आज भी मुझे उसकी बात में कि जिनको आप यूनिवर्सिटी में ले गए, यूनिवर्सिटी के बाद उनको आप धर्मशाला लेके जा रहे हो, 3 कोविड वाले केसेस निकल गए उसमें बाकी दूसरे थे उन्हीं के साथ उनको बिठा दिया, कहाँ आपने आपने उनका आइसोलेशन सेंटर्स या इनका क्वारंटीन जोन्स बनाना है उनके लिए, इन बातों में कंफ्यूजन नज़र आती है मुझे उनकी। पिछले दिन से कि सारे शहर को लॉकडाउन मत कीजिए, आप जो इलाके बिल्कुल सही हैं जैसे 1 से लेके 10 सेक्टर तक मैंने कहा हुआ लिखित तौर पर भेजा हुआ भी उनको आप मत कीजिए, ऐसे ही मेरा ये सुझाव था कि आप दुकानों को भी खोल दीजिए, उन्होंने वो किया लेकिन वो बात हो गई, अब उसके बाद क्या उस बात पे हम बैठे रहेंगे कि हाँ वो बहुत ठीक हुआ था, उसके आगे वाला काम नहीं है। अब बापूधाम में जाके देखिए लोगों की हालात क्या है, जो लोग वहाँ दूसरा कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, किसी को डायलिसिस के लिए जाना होता है, वो उनके लिए कोई सुविधा नहीं। आप कोरोना के कारण बाकी लोगों को और बीमारियों के कारण मरवा दोगे। पर अभी तो जो अगर बापूधाम में मान लेते हैं कि बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, लेकिन जो प्रशासन ने उसको कॉर्डन ऑफ करके उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया, कर लेना जरूरी था, उतना कर लेना जरूरी था, लेकिन फिर वहां कमी रही आपके प्लानिंग की। अगर वो किया था उसके साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने थे, उनका प्रभाव क्या पड़ना था दूसरे लोगों पे, क्या घर खाने को रोटी की जरूरत नहीं? आप कह दिए कि हम जाके राशन दिया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, क्या राशन बहुत है? क्या आप अपना अपना सोच के देखिए एक सेकेंड, क्या वो सूखा राशन और दाल बहुत है, काफी है? कहाँ पत्ती है, कहाँ चाय है, क्या चीज है, कहाँ राश? आदमी खुद भी लेना चाहता है, बाहर से उनको नहीं मिलता। आज भी है कि लाठियां चलाई गई उन लोगों पे जो बाहर निकल के कुछ खरीदना चाहते हैं। कहीं ठीक है तो वो ठीक कहना होगा, हमें कहेंगे, लेकिन उस अगर कहीं कुछ ठीक हुआ है उसके कारण ये नहीं कि बाकी जो गलत हो रहा है जिसपे ध्यान नहीं दिया जा रहा उसको भी कह देंगे कि सब ठीक है, वहां कमियां हुई हैं। क्या फैसले होते हैं रोजाना जिन चीजों पे, रोजाना एक एक बात का पूरे तौर पे समीक्षा होनी चाहिए, जानना चाहिए कि वहाँ आज क्या हुआ है, कल को वहाँ क्या करना है।
सर जाते जाते एक सवाल, सोनिया गांधी जी उन्होंने सरकार से कहा कि भारत सरकार खजाना खोल दे, जिस तरह से व्यापारी वर्ग मजदूर हर व्यक्ति परेशान है इस वक्त कोरोना के इस बंद के दौरान, और उन्होंने एक बात कही कि 7,500 रुपये महीना हर परिवार को 6 महीने तक दिए जाए, तो ये इतना भारी भरकम बजट सरकार कैसे देखेगी? पहली बात देना होगा, और दूसरा इसको आप वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मोदी साहब ने अभी 10 दिन पहले अभी अनाउंस किया है उसको किस तरह से आप जोड़ के देखते हैं? वो एक मृग तृष्णा है, लोगों के लिए एक दिखावा हो गया वो, उसको आप कुछ भी नाम दे देते और उसको आप स्टिमुलस पैकेज कहें, ये लोगों की एक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ये उनके साथ एक मखौल है, मैं ये समझता हूँ। वो स्टिमुलस पैकेज नहीं है, वो तो एक लंबे अरसे के लिए आपने कुछ चीज़ें दे दी, इतना आप लोन और ले सकते हो, अरे काम चल नहीं रहा, काम बंद हो गया, पर उसी के लिए तो लिक्विडेट करने के लिए उन्होंने लोन का कहा है कि किस बात से उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे क्या? सबसे बड़ी बात है पहले का पैसा आपका पड़ा है, आपने 50 लाख ले रखा है, 50 लाख के लिए आपको 3 महीने का मॉरेटोरियम दे दिया, क्या इंटरेस्ट बंद कर दिया? स्टिमुलस क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर केयर फंड यहाँ हो गया वो, लेकिन एक प्राइवेट चीज़ है, यही नाम अमेरिका में है, वहाँ देखिए उसके तहत जानिए तो सही क्या दिया है उन्होंने, वो है सही मायने में जो उन्होंने अपना हमारी हमारी जीडीपी जितना पैसा स्टिमुलस में डाल दिया, हमारी जीडीपी की जितना, और इसी बात को मुझे बात पूरी करनी होगी, अभी ये सवाल आपने किया ये इतना कह के दो हमने ऐसे ही ख़त्म कर दिए, ये ऐसा ख़त्म करने वाला सवाल नहीं है, इसमें ज़रूरी था कि लोगों के जेब में पैसा आता, और मैं तभी ये कह रहा हूँ जो पहला सवाल आपने ठीक उठाया था, अगर इंतज़ाम इन्होंने प्रॉपर किए होते, प्लान किया होता, तो ये 6 महीने के लिए मांग करने की ज़रूरत ना होती, तो काम के लिए इंतजाम हो गए होते कि कहाँ कहाँ किस हिसाब से आपको पूरा लॉकडाउन नहीं लगाने की जरूरत करने की, एकदम कर्फ्यू लगा दो वो जरूरत नहीं। आज के दिन अगर आपने इकोनॉमी को जीवित रखना है, लोगों में एक आश रखनी है, तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि सभी के पास कुछ दो पैसे हों। कोरोना काल में सर आप किस तरह से आगे देखते हैं, ये समय कैसा बीतेगा, जनता को किस तरह आप सलाह देना चाहते हैं कि कैसा वो अपना जीवन आगे का देखें कोरोना काल में? हमारे पहले समय समय पे आगे भी बहुत आई हैं, आज भी हमारे देश में टीबी के साथ 20 लाख मौतें प्रति वर्ष होती हैं, 20 लाख, बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा आज के दिन भी है, जबकि उसके लिए दवाई निकल चुकी हैं, वैक्सीन हैं, सब जगह उसके इलाज के लिए बहुत कुछ है, और 5 वर्ष की उम्र तक के डायरिया के कारण और निमोनिया के कारण 2 लाख बच्चे की मृत्यु हो जाती है 5 साल की उम्र पे पहुंचने से पहले पहले, ऐसे बहुत चीज़ों का सामना हम कर रहे हैं, तो अभी जब तक इसकी वैक्सीन वगैरह नहीं बनेगी, नहीं होगा, तब तक इसका सामना करना पड़ेगा, इसका कोई ये इलाज नहीं है, इस वक्त जो लोग जा रहे हैं अस्पतालों में और वो इलाज नहीं है, ले लिया ये सरकार ने कर लिया, ये सरकार इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रही है, ये इन्फॉर्मेशन आप दो, ये रोगे से तू बना दिया, ये आप उसके जरिए ये दो, सरकार जो चाहे वो कर ले, ये भी नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से उस तरीके से होना चाहिए, इसमें सब लोकतंत्र एक अहम बात होती है, वो मखौल की चीज़ नहीं होती। कांग्रेस राजनीति नहीं, सहयोग करना चाहती है सरकार का कोरोना की इस महामारी में, यह कहना था हमारे साथ मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद चंडीगढ़ से पवन कुमार बंसल जी का। फिर से मुलाकात करते हैं किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।